आज RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर चुनाव आयोग ने 65 दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया। चुनाव आयोग ने RVM का डेमो सभी अध्यक्षों को दिखाया। RVM का इस्तेमाल अपने चुनाव क्षेत्रों से दूर दूसरे शहरों और राज्यों में रह रहे मतदाता कर सकेंगे। देश के किसी क्षेत्र से भी वे अपना मतदान कर सकेंगे। जोशीमठ संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल देने से इनकार कर दिया है। CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PV नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामले में याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात फिर से कही है। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और LG VK सक्सेना के बीच में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को पहले विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने LG VK सक्सेना पर प्रहार किया तो बाद में उनके आवास तक मार्च किया। खुद CM अरविंद केजरीवाल भी सड़क पर उतरे और LG पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि LG ने दिल्ली के टीचर्स को विदेश भेजने से रोक दिया है। वो दिल्ली के बच्चों की अच्छी शिक्षा रोकना चाहते हैं। दिल्ली में अब मेयर चुनाव का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने MCD के मेयर चुनाव के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। LG ने आदेश जारी करते हुए 24 जनवरी को सदन की बैठक, सदस्यों की शपथ के साथ साथ मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके 18 जनवरी को सुबह 6:30 बजे कांगड़ा जिले के मिलवा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। हर जिले के कार्यकर्ता अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की झलक पेश करते हुए यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। हिमाचल में 24 किलोमीटर का सफर तय कर राहुल गांधी मलोट में एक जनसभा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023-24 के बजट से पहले एक इवेंट में नए टैक्स लगाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 5 लाख तक की आय पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ उन्होंने मोदी सरकार की ओर से मध्यम वर्ग को लेकर दिए जा रहे कामों को भी गिनाया। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले PM मोदी ने दिल्ली में भव्य रोड शो किया। BJP की यह कार्यकारिणी बैठक कल यानी 17 जनवरी को भी होगी। इस कार्यकारिणी बैठक में BJP 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना सकती है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की आजीविका को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपदा प्रभावितों परिवारों को बिना काम किए मनरेगा से दिहाड़ी दी जाएगी। इसमें प्रत्येक परिवार से 2 लोगों को दिहाड़ी मिलेगी जिससे आजीविका चलती रहे। ये राशि तब तक मिलेगी जब तक प्रभावित परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं। भारत में रूस से कच्चे तेल का आयात दिसंबर 2022 में बढ़कर 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है। ये लगातार तीसरा महीना है जब भारत के लिए रूस दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। पहली बार रूस से तेल आयात 10 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा है। दिसंबर में रूस ने भारत को प्रतिदिन 11.9 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।